नमस्कार, आपका स्वागत है। और क्योंकि मैंने सोचा आजकल नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और वैसे भी अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत में भी हमको फलाहार करने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसके सिंघाड़े के आटे के शकरपारे बनाए जाएं। तो मैं सिंघाड़े के आटे के शकरपारे बनाने जा रही हूँ। तो देखिए ये किस तरह से बनाती हूँ, और देखिए इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये देखिए, एक कटोरी तो मैंने ये सिंघाड़े का आटा लिया है, और जिस कटोरी से आटा लिया है उसी कटोरी से चौथाई कटोरी ये मैंने चीनी ली है, और ये चौथाई कटोरी ही दूध लिया है। लेकिन हो सकता है कि दूध को तो हम जैसे जैसे डालते जाएं मारते जाएंगे वैसे वैसे इसका यूज करते जाएंगे। और ये मैंने छोटी इलायची पिसी हुई ली है। और देखिए ये पिसी हुई चीनी डाली है मैंने चौथाई कटोरी, इसको मिला देती हूँ और मिलाकर इसको कड़ा मारूंगी। और इसके आटे को हमको एकदम कड़ा रखना है, सॉफ्ट नहीं मारना है। और देखिए ये इस तरह से ये आटा जो है मड़कर तैयार है, और मैं इसको अब 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। और ये छोटी इलायची भी डालकर इसमें मिला देती हूँ। और अब मैं इसमें ये एक चम्मच घी मिला रही हूँ। आप चाहें तो घी को पहले भी शुरू में ही मिला सकते हैं। और देखिए अब इस तरह से मैंने काट लिए हैं, अब मैं इनको सेकने जा रही हूँ। और देखिए ये बिल्कुल धीमी गैस पर इनको मैंने सेक रही हूँ, और ये अच्छी तरह से सिक रहे हैं। और ये देखिए अब ये बिल्कुल सिककर तैयार है, अब मैं इनको निकाल रही हूँ।